नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। संबल हिंसा को लेकर एक तरफ जांच पड़ताल की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है, कई ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन इस पूरे हिंसा को अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी अपने चरम पर है। बता दें कि चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, बयानबाजी सभी पार्टियों की ओर से शुरू कर दी गई है, चूंकि एक के बाद एक तमाम तथ्य इस पूरे हिंसा से जुड़े हुए सामने आ रहे हैं। FIR की कॉपी भी सामने आई और उसमें नंबर वन आरोपी जो है वो कोई और नहीं बल्कि संभल से जो सपा सांसद है जियाउर रहमान बर्क, उनको ही बनाया गया है। और दरअसल उन पे ये बड़ा आरोप लगाया गया है कि उन्होंने एक मैसेज के जरिए अपने राजनीतिक फायदे के लिए हिंसा को भड़काने की कोशिश की। और कई ऐसे लोगों के नाम का भी जिक्र किया गया है, जहां पर स्थानीय विधायक के बेटे सुहेल इकबाल का भी जिक्र किया गया है, जिन्होंने कहा है कि अपने मंसूबों को कामयाब करो, रुको मत। तमाम ऐसी बड़ी बातों का जिक्र किया गया है FIR में और ये सब जांच पड़ताल हालांकि इस पूरे मामले को लेकर की जा रही है। सोनी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और वो भी आपको बताएंगे कि इस पूरे हिंसा को लेकर अभी किस तरीके का अपडेट पल पल सामने आ रहा है और कैसे यहां कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। सोनी, चूंकि देखिए 24 नवंबर को जब सर्वे की टीम वहां पर पहुंचती है सर्वे करने के लिए, अचानक से जब टीम बाहर निकलती है तो 2000 से 3000 के आसपास की भीड़ मस्जिद के बाहर इकट्ठा हो जाती है। कई अज्ञात लोग हैं, FIR दर्ज हो चुका है, लेकिन जो अभी लेटेस्ट कॉपी FIR की आई है, जियाउर रहमान जो कि वहां से सांसद है, उनको नंबर वन आरोपी बनाया गया। और दूसरी तरफ जो सियासत इस पे हो रही है उसको भी आप कैसे देख रही हैं, समझ रही हैं वो भी? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं ताज़ा अपडेट ये कि इसमें तकरीबन क्या है, 2750 इसमें अज्ञात हैं और इसमें कम से कम 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें तीन महिलाएं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा भी पुलिस ये जानने की कोशिश करे कि आखिर इसके पीछे और कौन कौन हो सकता है जिस वजह से ये इतना बड़ा हमला हुआ। इसमें कई लोग हताहत भी हुए हैं। और इसमें साथ ही मैं आपको इसलिए बता दूँ कि इसमें 7 मुकदमे दर्ज है, जैसा अभी आपने कहा कि जियाउर रहमान वर्ग विधायक और उनके जो बेटे सोहेल इकबाल, इनका भी नाम इसमें सामने आया है। और कहीं ना कहीं देखा जाए ना तो इसमें कहा कि जैसे कल उनका बयान भी आया था, प्रियंका गांधी का भी आया था, उन्होंने भी कहा था कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे जो अभी हाल ही में जब इलेक्शन हुए, कहीं ना कहीं इसको मतलब उसमें बीजेपी की ओर से कि उस पर चर्चा ना हो, उसको ढकने के लिए इस तरह का माहौल बनाया गया है, आरोप उन्होंने लगाया उन्होंने। और अभी अपडेट ये है कि राहुल गांधी भी वहाँ पे जाने वाले हैं, वहाँ पे कितने लोगों की क्या ऐसी हालात हैं, कितने जख्मी हैं, कितने क्या हैं, उनके लिए किस तरीके की सेवाएं उपलब्ध की जा रही, सबके बारे में वहाँ पे जाके वो हाल चाल लेंगे। बिल्कुल, चूंकि देखिए ना सिर्फ यूपी के ही बड़े नेता इस पूरे मामले को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल हमने संसद में भी देखा कि खुद यहाँ पर चाहे वो प्रियंका गांधी का आपने नाम लिया, चाहे उसके अलावा अगर हम बात कर ले राहुल गांधी, ये सभी लोग एक के बाद एक इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर हमलावर जरूर नजर आए। कल चूंकि संसद का शीतकालीन शुरू हो चुका है, लेकिन इन सबके बीच ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की बात की गई। समाजवादी पार्टी का एक बड़ा डेलीगेशन जिसमें लगभग 12 बड़े नेता है वो वहां पर पहुंचे हैं और वो वहां हालात का एक जायजा लेंगे कि आखिर वहां क्या हुआ, वो स्थिति को समझेंगे और उसकी पूरी रिपोर्ट कार्ड जो है वो लोग अखिलेश यादव को देंगे। देखिए, अभी हाल ही में हुआ था कि अभी इससे पहले भी अखिलेश यादव ने भी कहा, हालांकि ये हर बार ही होता है कि जब भी कुछ इस तरह की कोई घटना होती है तो हमेशा जो विपक्ष है वो हमेशा साधने की कोशिश करता है, तो यहाँ भी कुछ ऐसे देखने को, लेकिन इसके पीछे कौन हो सकता है, इसके असल हकीकत के अभी तक ये सामने नहीं है, तो जांच के बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सोनी, आपका तमाम जानकारी आपने दी। तो संभल हिंसा को लेकर एक तरफ कार्रवाई लगातार जारी है तो दूसरी तरफ इस पर सियासी बयानबाजी भी थमने का नाम नहीं ले रही। जैसा कि सोनी ने बताया कि राहुल गांधी भी अब जाएंगे और जो दरअसल इस पूरे हिंसा में जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों से वो मुलाकात करेंगे और फिर तमाम जो तस्वीरें होंगी, जो बातचीत करेंगे राहुल गांधी वहां मौके पर पहुंचकर, वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अरुण भी हमारे साथ जुड़ेंगे और वो भी आपको इसका पल पल का अपडेट बताएंगे। अरुण, एक तरफ ये जो सियासत इस पूरे हिंसा को लेकर हो रही है और दूसरी तरफ उस हिंसा से जुड़ी वो जो तमाम बड़ी बात सामने आई है, बड़े खुलासे सामने आए हैं, नंबर वन आरोपी बर्क है उन पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा है, 168 का नोटिस उनको पहले ही थमाया जा चुका है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव कहते हैं कि जिस दिन मुकदमा दर्ज हुआ उस दिन तो वो थे ही नहीं, तो तमाम अलग अलग अपने तरीके से यहाँ पर अपने तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन कई बड़े खुलासे यहाँ पर हो रहे हैं कि पहले से एक तरीके से प्लानिंग का अंदेशा यहाँ पर जताया गया, पहले से सुनियोजित था ये जो हिंसा था, हिंसा हुई, जो पथराव हुआ। देखिए, अब पुलिस जो है लगातार इस मामले में जांच कर रही है। सबसे गंभीर बात ये हो जाती है, जो वहाँ के मौजूदा सांसद है बर्क,
उनको आरोपी बनाया जाता है। बिल्कुल पूछताछ भी होती है और फिर हालांकि उनके बाद में बयान भी आए, उन्होंने साजिश करार दिया, इसको बदनाम करने की साजिश करार दिया। तो देखिए, लेकिन सवाल तो वही है कि आप मौजूदा सांसद हैं, एक आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस वहां पर इतनी बड़ी हिंसा हो जाती है, फिर आप पर ही आरोप लगाया जाता है, तो कहीं ना कहीं आप जवाबदेही से बच नहीं सकते हैं। और बिल्कुल जांच लगातार यूपी पुलिस तो कर ही रही है, आगे जो जांच में चीज़ें सामने आएंगी वो तो हमें पता लगता रहेगा। जिस तरह से आपने जिक्र किया कि हिंसा कहीं ना कहीं जो पुलिस को शक है कि ये सुनियोजित हिंसा थी पहले से ही, देखिए आप शाम बिल्कुल शाम को जो है जो कोर्ट द्वारा सर्वे का इजाजत मिल जाती है और उसके बाद सर्वे शुरू हो जाता है, उसके बाद अगले दिन हम उस टाइम उस समय तक कोई हिंसा की ऐसा कुछ नहीं था, पूरा जो पूरी जो स्थिति थी वो कंट्रोल में थी, लेकिन अगले दिन देखा जाता है अचानक से जो है हिंसा भड़क जाती है, सुबह सुबह इस तरह की घटना हो जाती है। तो बिल्कुल ये क्या ये हिंसा सुनियोजित तरीके से की गई, क्या पहले से ही इस तरह से जो है स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश की गई, ये सवाल बनता है और अब देखते हैं कि पुलिस की जांच में क्या इस पर बिल्कुल। चूंकि देखिए एफआईआर कॉपी सामने आई है, उसमें कई लोगों का नाम है अज्ञात, तो आप समझिए कि 2700 के आसपास ऐसे लोग हैं जो अज्ञात है, लेकिन जिन लोगों के नाम का उसमें जिक्र किया गया है, सबसे ताज्जुब वाली बात आप एक तरीके से इसको समझ लीजिए कि उसमें 3 महिलाएं भी हैं। और कल जब एसपी और डीएम की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उन्होंने भी कहा था कि महिलाओं के भी ऊपर ओर से उनके ऊपर हमला किया गया था। आप समझिए कि मतलब चाहे वो पत्थर हो, हथियार हो, उन्होंने बकायदा वो चाकू भी दिखाए थे, सामने आए थे कि बिल्कुल इस तरह के फुटेज सामने आए थे कि महिलाएं भी इस चीज में हिस्सा ले रही थी। लेकिन देखिए चाहे ये संयोजित हिंसा थी या कोई या अचानक से भड़क गई हिंसा थी, लेकिन इससे मुझे लगता है कि एक जो सामाजिक सौहार्द है उसकी बात भी आ जाती है। अगर इस तरह की इस तरह का सर्वे का आदेश दिया गया तो देखिए वहां पर प्रशासन को भी मुझे लगता है कि ज्यादा एहतियात बरतने चाहिए थे, क्योंकि ये पहली दफा नहीं है कि किसी धार्मिक स्थल पर इस तरह का सर्वे हुआ है, इससे पहले भी हमने देखे कि कई सारे सर्वे होते रहते हैं, लेकिन जो एहतियात है, जो कॉशंस है, वो लेनी प्रिकॉशन बहुत लेनी जरूरी थी और कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी इसका दायित्व था कि बेहतर तरीके से कुछ ना कुछ चीजें की जा सकती। लेकिन अब चूंकि जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि राहुल गांधी जाएंगे, उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे, क्या आपको लगता है कि ऐसे समय में इस तरीके से वहां जाना सही होगा, क्योंकि फिर वो एक अलग दिशा में ये पूरा मामला आप समझिए चला जाएगा। एक तरफ जाँच पड़ताल की जा रही है और ऐसा नहीं है कि आप समझिए कि सब कुछ एक तरीके से वहां पर दिखाया जा रहा है कि एक ही पक्ष को यहां पर गलत दिखाया जा रहा है। जो भी जांच की बात है, जो भी दूध का दूध पानी का पानी होना है, वो जांच में तमाम बातें सामने आ रही है, लेकिन जिन 3 लोगों ने जान गंवाई उनके बारे में भी एक दरअसल बड़ा खुलासा ये हुआ है कि जिस क्षेत्र में ये हिंसा भड़की है वो वहां के तो वो थे ही नहीं, तो जाहिर सी बात है कि या तो उन लोगों को बुलाया गया होगा या तो वो वहां पर पहले से मौजूद होंगे, जो भी कारण है जांच की जा रही है। लेकिन ऐसे समय में राहुल गांधी का जाना क्या मैसेज दे सकता है? देखिए कोई भी हिंसा की घटना हो या इस तरह की जिसमें सामाजिक सौहार्द की बात आती है, तो मुझे लगता नहीं है कि उस घटना को पॉलिटिसाइज करना चाहिए, जिस तरह से समाजवादी पार्टी की ओर से और एक डेलीगेशन भेजा गया है। बिल्कुल देखिए उनका उनका तर्क कुछ और है कि देखिए आपका मुख्य जो सांसद है वहाँ का वो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं वो, और उन्हीं के ऊपर आरोप लगाया गया है, तो मुझे लगता है ये एक फैक्ट फाइंडिंग डेलीगेशन सोर्ट से अपने तरीके से जांच करने के लिए। राहुल गांधी का वहाँ जाना, देखिए आप सारे जो है पीड़ित परिवारों से अगर आप मुलाकात कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन एक समय की नजाकत भी होती है। अभी अभी वहाँ पर हिंसा जो है का दौर चला है और हमने देखा था कि हाल ही में स्कूल जो है खोल दिए गए और आदेश दिया गया, तो धीरे धीरे जो स्थिति है वो सामान्य हो रही है। बिल्कुल, और लेकिन इतनी जल्दीबाजी, देखिए एक तरफ ये भी तर्क है कि जल्दीबाजी है, हालांकि वो संदर्भ वहां पर है कि आदेश को लेकर, लेकिन अगर राजनीतिक लिहाज से इसे देखा जाए तो इतनी जल्दीबाजी पार्टियों को भी नहीं करनी चाहिए, स्थिति को थोड़ा नियंत्रित में हो जाने देना चाहिए और उसके बाद आप जाइए, बेशक जाइए, मुलाकात कीजिए, जो स्थिति है समझिए। खासतौर पर जब ऐसा शक है कि ये हिंसा संयोजित तरीके से की गई, तो क्या गारंटी है कि अगर कोई बड़ा जो है पॉलिटिकल नेता वहां जाता है तो दोबारा इस तरह से घटना ना हो? क्योंकि देखिए आपको शक है ना कि वो सुनियोजित तरीके से ये हिंसा हुई, तो अगर इस तरह का खतरा है तो पॉलिटिकल नेता कोई वहां जाए तो मुझे लगता नहीं है कि अभी सही समय है। बिल्कुल आप जो है पीड़ित परिवार हैं या जो इस घटना में जो शिकार हुए हैं उनसे हमदर्दी जरूर है, लेकिन ये है कि कानून व्यवस्था जो है बनाए रखने के लिए प्रशासन को भी कुछ समय चाहिए होगा और स्थितियां जब सामान्य होंगी तो इस तरह का जो है दौरा
किया जा सकता है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि शायद बिल्कुल आपने जिस तरह से जिक्र किया शायद जल्दबाजी होगा और कानून व्यवस्था जो जो प्रशासन है वो जो ऑर्डर जब तक रिस्टोर ना कर ले या जब तक पूरी तरह से जांच ना हो जाए। हालांकि ये चूंकि देखिए हाई प्रोफाइल बातें यहाँ पर होती हैं, बाहरी लोगों के प्रवेश पर तो रोक है, लेकिन इस बीच जाहिर सी बात है अगर कोई नेता यहाँ पर सामने पहुंचते हैं मौके पर तो वो अलग एक दिशा में चली जाएगी। बिल्कुल वो एक क्लैश, नया क्लैश होने की स्थिति बन जाएगी, चाहे वो सियासी बवाल हो या फिर हम देखें कि जमीन पर किस तरह से अगर आपने बाहरी लोगों के आने पर जो है प्रतिबंध लगाया हुआ है तो राहुल गांधी ऑब्वियसली जाएंगे तो बिल्कुल उन्हें रोक दिया जाएगा, प्रशासन अलाउ नहीं करेगा, तो नोन बात है। तो कहीं ना कहीं ये एक और क्लैश की स्थिति जो है बन सकती है। तो बिल्कुल मुझे यहाँ पे लगता है कि सरकार या फिर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए सबसे प्राइमरी जो फोकस इस समय ये होना चाहिए, जो सामाजिक डिवाइड कहीं ना कहीं इस तरह की घटना से हुआ या फिर जो सर्वे की बात हुई धार्मिक स्थल पर, तो वो जो डिवाइड है मुझे लगता है कि कम्युनिटीज को साथ में लाना चाहिए और सभी को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और उसके बाद जो है डायलॉग होना चाहिए, बातचीत आगे की जो प्रक्रिया हो वो वहां पर हो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका, तमाम आपने जानकारी दी। तो देखिए संभल हिंसा को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है, एक के बाद एक तमाम नए खुलासे हो रहे हैं, बड़े खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच ताजा जानकारी ये है कि राहुल गांधी वहां पर पहुंचेंगे, पीड़ित परिजनों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद चूंकि देखिए सियासी बयानबाजी लगातार इस पूरे मामले को लेकर जारी है और ऐसे में कयास और आशंका ये भी है कि कहीं ये जो हिंसा का मामला है जो फिलहाल वहां पर स्थिति बनी हुई है वो कहीं दूसरे दिशा में ना चल जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप देखते रहे न्यूज टेक, नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।